गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। और आज हमारा सेकंड ईयर में टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे आप कई बार पढ़ भी चुके हैं और साथ ही साथ आप इसके जो विजय अभियान थे, इसकी जो नीति थी, उसके बारे में आप लोग डीपली स्टडी कर चुके हैं। स्पेशली जो इसका उत्तरी भारत का विजय अभियान था, वो उत्तरी भारत का विजय अभियान कंप्लीट किया था हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में, जब आपने नागौर, जालौर, रणथंबोर, चित्तौड़ की विजय को पढ़ा था, मालवा और गुजरात के उसके जो अभियान थे, वो सब इसकी उत्तरी भारत की विजय के अंतर्गत सम्मिलित हैं। और स्टार्ट करते हैं हम जो सामान्य परिचय है अलाउद्दीन खिलजी का। तो आप देखिए 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन हथियाया था जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके, ठीक है। 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका हम शासनकाल अंकित करेंगे। और अपने शासनकाल में इसने न केवल उत्तरी भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी इसने अपनी विजय पताका फहराई थी। अब इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था, कौन था? तो इसके जो पिता थे वो जलालुद्दीन के भाई थे और नाम था शिहाबुद्दीन। 1266-67 ईस्वी में अलाउद्दीन का जन्म हुआ था। और अलाउद्दीन के पिता जो थे शिहाबुद्दीन, वो अनफॉर्चुनेटली अपनी यंग एज में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अब ऐसी स्थिति में जो अलाउद्दीन खिलजी था और उसके तीन भाई और थे, उनके जो पालन पोषण का कार्य किया गया था, वो पालन पोषण का कार्य जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी और उसके भाइयों के बीच जो संपर्क है, वो प्रारंभ से ही रहा था। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जलालुद्दीन खिलजी बड़ा उदार प्रवृत्ति का था, अतः उसने अपने भाई के जो बच्चे थे, जो पुत्र थे, उनके प्रति भी बड़ी उदार नीति अपनाई और उनके पालन पोषण, उनके शिक्षा दीक्षा इन द सेंस जो राजवंश स्वाभाविक है, उनके बच्चों को शस्त्र की शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा गया और जो अपने भाई शिहाबुद्दीन के पुत्र थे, उनको उनकी योग्यता के अनुसार उसने उचित व्यवस्था उनके लिए करवाई। अब अलाउद्दीन के और भी भाई थे, लेकिन अपनी योग्यता के कारण अपने सभी भाइयों को अलाउद्दीन ने पीछे छोड़ दिया और अस्त्र शस्त्र संचालन में वो इतना पारंगत हो गया कि उसकी प्रतिभा देखते ही बनती थी। तो स्वाभाविक है कि इस प्रतिभा और योग्यता से प्रभावित हुए बिना जलालुद्दीन खिलजी भी नहीं रहा था। अब धीरे धीरे जो उम्र थी वो बढ़ने लगी थी, युवा होने लगे थे अलाउद्दीन और उसके भाई। और ऐसी स्थिति में जलालुद्दीन खिलजी, वो अलाउद्दीन से काफ़ी प्रभावित भी था, तो अपनी पुत्रियों का विवाह उसने अपने भाई के पुत्रों के साथ कर दिया। मतलब अलाउद्दीन द्वारा अपनी पुत्रियों का विवाह अपने भाई शिहाबुद्दीन के पुत्रों के साथ संपन्न करा दिया गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये कह सकते हैं कि ये परिवार था, एक ही था, दोनों भाइयों के बच्चे और बच्चियां थी जिनका आपस में विवाह संपादित हुआ था, बचपन से ही सब एक दूसरे को जानते थे। तो यदि हम इस चीज़ का आंकलन करें तो स्थितियां जो हैं वो बड़ी नॉर्मल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ भी जो स्थितियाँ थी वो उल्टा थी। यहाँ की जो स्पेशली आप देखिए, जलालुद्दीन की सास थी मलिका जहान और अलाउद्दीन की पत्नी
दोनों का व्यवहार इतना निकृष्ट था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दाम्पत्य जीवन था वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। ऐसी स्थिति में आप देखो कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बजाय अपने परिवार के साथ रहने के वो दूर जा कर के रहना चाहता था राजधानी से, और इसको वो अवसर भी प्राप्त हुआ। कल की क्लास में हमने पढ़ा था जलालुद्दीन के समय में मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था, याद आया? तो मलिक छज्जू के विद्रोह का होना अलाउद्दीन के लिए शायद उसके भाग्य का उदय होना था। विद्रोह से स्थिति ये हो गई कि चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, और फिर जलालुद्दीन द्वारा मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन करने के लिए सेना भेजी गई, विद्रोह की समाप्ति हो गई। और उसके बाद कड़ा और मानिकपुर जो महत्वपूर्ण सूबे थे, कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी अलाउद्दीन को ये जलालुद्दीन द्वारा उसे प्रदान की गई। इसी प्रकार से आप देखिए धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपने आप को राजधानी से भी दूर करने लगा। और इसी समय में आप देखो अलाउद्दीन की एक प्रेमिका थी, नाम था मेहरू। तो जब वो यहाँ से कड़ा और मानिकपुर गया तो अपने साथ अपनी उस प्रेमिका को भी वो ले गया, मेहरू को भी, और बड़े सुख शांति के साथ वो जीवन यापन करने लगा। धीरे धीरे अपनी योग्यताओं को सिद्ध करने के लिए अलाउद्दीन द्वारा प्रयास जारी रहे, और उसने अब धीरे धीरे जलालुद्दीन के आदेशों की अवहेलना करना, जलालुद्दीन को बिना बताए सैनिक अभियान करना, ये सब उसके द्वारा प्रारंभ कर दिए गए। अब आप देखो दक्षिण का एक प्रसिद्ध राज्य था देवगिरी। दक्षिण के राज्य काफ़ी धन धान्य से संपन्न थे, समृद्ध थे। तो 1292 ईस्वी में पहले अलाउद्दीन द्वारा भिलसा पर आक्रमण किया गया, और वहाँ से उसे काफ़ी सारा धन और 8000 घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना जो थी वो तैयार की गई। क्योंकि धन प्राप्त हुआ तो अलाउद्दीन को ये लगने लगा कि इन फ्यूचर यदि उसको सिंहासन प्राप्त करना है तो उसके लिए एक अच्छी सेना का रखना आवश्यक होगा, और संभवतः इसीलिए उसने अच्छे सुयोग्य और तीव्र गति के जो घुड़सवार थे उनकी एक शक्तिशाली सेना उसके द्वारा बना ली गई। और ये जो घुड़सवार सैनिक थे, ये जो नई सेना उसने तैयार की गई थी, ये सभी सैनिक उसके प्रति काफ़ी निष्ठावान रहे। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने एक और कार्य किया, और इसकी सूचना सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को नहीं थी। बिना सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को बताए उसने देवगिरी पर आक्रमण किया। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि दक्षिण के इन राज्यों में आर्थिक दृष्टि से संपन्नता थी, धन का अभाव नहीं था, तो देवगिरी पर जो आक्रमण किया गया उससे अलाउद्दीन को विपुल धन संपदा प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में उसको हाथियों की प्राप्ति हुई, और इससे अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा जो थी उसमें और अधिक वृद्धि हो गई। अब अलाउद्दीन एनी हाउ दिल्ली को प्राप्त करना चाहता था या सिंहासन प्राप्त करना चाहता था, और देवगिरी के इस आक्रमण ने उसकी इस योजना को तैयार किया। फिर आप देखो सुल्तान को ये सूचना मिली कि देवगिरी पर उसने विजय हासिल करी है, काफ़ी धन उसको प्राप्त हुआ है, वहाँ से हाथी प्राप्त हुए हैं, तो जलालुद्दीन बड़ा खुश था। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जलालुद्दीन बड़ा उदार प्रवृत्ति का था और स्नेही स्वभाव था उसका, तो प्रसन्न हुआ कि उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त करके आ रहा है, और जलालुद्दीन द्वारा
उसको उसके जो स्वागत था उसकी तैयारी की गई, आयोजन किए गए। लेकिन जब जलालुद्दीन से मीटिंग हुई अलाउद्दीन खिलजी की, तो जलालुद्दीन ने जो सोचा नहीं था वो हो गया। दोनों जब गले मिले, जलालुद्दीन ने बड़े प्रेम भाव से, स्नेह भाव से अलाउद्दीन को खड़े होकर के गले लगाया। एंड सेम टाइम अलाउद्दीन द्वारा जलालुद्दीन के पेट में छुरा घोंप कर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये वो स्थिति थी, क्योंकि ये राजधानी की घटना नहीं थी, राजधानी के बाहर की घटना थी। और अपने ससुर और चाचा जलालुद्दीन को मार करके अलाउद्दीन ने स्वयं को सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। अब स्वाभाविक है कि दरबार में अलाउद्दीन के उसके समर्थक थे, तुर्क अमीर थे। तो जब ये सारी घटनाक्रम हुआ तो वो सब अलाउद्दीन के विरोधी हो सकते थे। एक नॉर्मल सी बात है, इस कंडीशन में कोई भी किसी का विरोधी हो जाएगा। अलाउद्दीन ने यहाँ पर बड़ी कूटनीति से काम लिया और उसने अपने आप को सुल्तान घोषित करके एक भव्य दरबार आयोजित किया और उसमें अपने समर्थकों को उसने पुरस्कृत किया। अलाउद्दीन द्वारा अपने छोटे भाई जो अलमास बेग था को उलुग खां की उपाधि दी, मलिक हिजामुद्दीन को उसके द्वारा जफर खां की उपाधि, मलिक संजर को अलप खां की और मलिक नुसरत को जालंधरी को उसने नुसरत खां की उपाधि प्रदान की। यहाँ पे आप नुसरत खां, उलुग खां, इनको आप आगे तक याद रखेंगे, क्योंकि ये वो सेनानायक थे अलाउद्दीन की सेना के जिन्होंने अलाउद्दीन के अधिकांश विजय अभियानों को पूरा किया था और काफ़ी उसने अधिकारियों और जो सैनिक थे उनमें खुले रूप से सोना चांदी वितरित करवा करके उनको पुरस्कृत किया ताकि वो उसका विरोध ना कर सकें। अब इसके बाद ये था एक सामान्य परिचय किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिंहासन प्राप्त किया गया। अब देखिए, सिंहासन प्राप्त हो गया और इसके बाद समस्याएं जो थी, अब मैं बार बार इस चीज़ को आपको बताती हूँ, कोई भी नया शासक या सुल्तान बनता है तो बाई चांस ही ऐसा होता है, आगे हम एक आध सुल्तानों के बारे में पढ़ेंगे भी, कि वो बिना किसी समस्या के अपने सिंहासन का या अपनी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अलाउद्दीन को भी इस तरह की विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं अलाउद्दीन की प्रारंभिक समस्याएं या कठिनाइयां कौन कौन सी थी। तो यही आप हेडिंग डालिएगा, अलाउद्दीन की प्रारंभिक समस्याएं या कठिनाइयां। अब इसमें आप सबसे पहला लिखेंगे, जो सबसे पहली समस्या थी कि अधिकांश अमीर वर्ग जो था, अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो अलाउद्दीन को हत्यारा और अपहरणकर्ता मानते थे। और स्वाभाविक भी है कि खुलेआम उसने जलालुद्दीन की हत्या की थी, तो इसलिए ये लोग जो थे, ऐसे विचारवान लोग, वो अलाउद्दीन से घृणा करने लगे, नफरत करने लगे उससे। तो ये पहली समस्या थी कि अलाउद्दीन को हत्यारा और अपहरणकर्ता माना जा रहा था। दूसरी समस्या, यद्यपि जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई थी लेकिन उसके पुत्र अभी भी जीवित थे और उन अधिकांश जो पुत्र जीवित थे वो सभी नियम के हिसाब से स्वयं को सिंहासन का वास्तविक अधिकारी और उत्तराधिकारी मान रहे थे। तो उनको भी मार्ग से हटाना या उनको शांत करना, ये भी अलाउद्दीन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तीसरी प्रमुख समस्या थी कि अलाउद्दीन ने यद्यपि स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था लेकिन जब तक राजधानी दिल्ली पर अधिकार ना हो, जो सल्तनत की राजधानी थी, तब तक सुल्तान उसको सही मायनों में सुल्तान नहीं माना जा सकता था। तो दिल्ली पर अभी उसका अधिकार नहीं हुआ था, ये एक समस्या थी।
अगली समस्या थी जो सुल्तान की विधवा थी मलिका जहान, बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी। अभी पहले भी पढ़ा है कि उसके व्यवहार से ही अलाउद्दीन काफ़ी पीड़ित था और इसलिए वो राजधानी से दूर चला गया था। तो मलिका जहान ने जब सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई और उसकी मृत्यु हो गई तो उसने रिक्त पड़े सिंहासन पर अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया। तो ये भी एक समस्या थी, कद्र खां को इब्राहिम रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से मलिका जहान द्वारा दिल्ली के सिंहासन पर बैठाना। तो ये महत्वपूर्ण समस्याएं थी। इसके अलावा आप देखो कई दूरगामी समस्याएं भी थीं जो अलाउद्दीन के समक्ष थीं, और उन दूरगामी समस्याओं में जिस समस्या की एक मेनली हम लोग बार बार बात करते हैं, आई थिंक आपको याद भी आ गया होगा, जो हमारी सीमांत सुरक्षा की बात है वो दिल्ली पर बैठे सभी सुल्तानों के लिए समान रूप से थी और सुल्तानों को इस समस्या का निरंतर सामना करना पड़ा था। तो अलाउद्दीन के लिए भी उत्तरी पश्चिमी सीमांत से मंगोलों के आक्रमण की एक समस्या थी। फिर जब राजधानी में या सल्तनत में अव्यवस्था या अराजकता फैलती थी तो जो हिंदू शासक हैं, हिंदू सूबेदार हैं, हिंदू सामंत हैं, हिंदू सरदार हैं, ये सभी विद्रोह कर दिया करते थे और अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर लिया करते थे। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें परिस्थितियां काफ़ी कमज़ोर थीं, लेकिन इन परिस्थितियों से अलाउद्दीन खिलजी हताश होने वाला नहीं था। तो इसलिए अपनी इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास तुरंत ही अलाउद्दीन द्वारा स्टार्ट कर दिया गया। अब इस संदर्भ में आप डालेंगे अलाउद्दीन द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान, तो सर्वप्रथम आप देखिए जो मेन समस्या थी, दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तो इसलिए अलाउद्दीन ने क्या किया, सर्वप्रथम दिल्ली के विरुद्ध उसने अभियान किया और आगे बढ़कर उसने दिल्ली पर अधिकार करने की योजना बनाई। सौभाग्य ये था अलाउद्दीन का कि इस समय जलालुद्दीन के परिवार में फूट पड़ गई थी, क्योंकि हर कोई सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और मलिका जहान द्वारा जब कद्र खां को सुल्तान घोषित कर दिया गया तो उसके बाकी भाई जो थे वो उससे नाराज हो गए और वो भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने गए लगे। इसी समय जो सुल्तान का बड़ा लड़का था अरकली खां, जो इस समय मुल्तान का सूबेदार था, जब उसे मलिका जहान के इस कार्य का पता चला कि उसने कद्र खां को सुल्तान घोषित कर दिया है, तो काफ़ी क्रोधित हुआ, क्योंकि बड़े होने के नाते उसका अधिकार पहला था, वो सिंहासन का वास्तविक अधिकारी था, तो इसलिए वो काफ़ी क्रोधित हुआ। अतः उसके द्वारा मुल्तान में ही फिर उसने डिसीज़न लिया कि परिवार से दूर रह करके अपने मुल्तान में, जो उसको सूबा मिला हुआ था, मुल्तान प्रांत समृद्ध था, वो मुल्तान में ही बने रहे। दूसरी ओर मलिका जहान के द्वारा अरकली खां को सहायता के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन अरकली खां ने समझदारी का परिचय देते हुए इस गंदी राजनीति से दूर रहने का और अपनी स्थिति को वहाँ मुल्तान में सुरक्षित रखने का डिसीज़न लिया और वो दिल्ली नहीं आया। लेकिन जब ये सूचना मलिका जहान को मिली कि अलाउद्दीन दिल्ली की ओर निकल चुका है अपने सेना के साथ, तो अब अरकली खां चूंकि सहायता के लिए मना कर चुका था, इसलिए अलाउद्दीन की गति को अवरुद्ध करना था। तो कद्र खां के द्वारा कहीं और से जब सहायता नहीं मिली तो अंततः एक बड़ी विशाल सेना जिसमें 56,000 घुड़सवार, 70,000 पदाती सैनिक थे, वो अलाउद्दीन का मार्ग रोकने के लिए भेजे गए। लेकिन जैसा मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अलाउद्दीन सिर्फ सैनिक दृष्टि से ही योग्य नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक अच्छे कूटनीतिज्ञ के गुण भी थे। तो उसने यहाँ
अपनी उस कूटनीति का परिचय दिया और जो सुल्तान कद्र खां के समर्थक थे उनमें से अधिकांश को धन दौलत दे करके अपनी ओर मिला लिया। इस तरह से जो लोग उसका मार्ग अवरुद्ध करने आ रहे थे वो धीरे धीरे उसके साथ मिलने लगे। सुल्तान रुकनुद्दीन ने अलाउद्दीन का सामना करने का निश्चय किया, किंतु युद्ध से पूर्व ही उसके अधिकांश अमीर और सैनिक अलाउद्दीन से मिल चुके थे। अतः ऐसी स्थिति में सुल्तान अपनी माँ मलिका जहान और अहमद चप तथा कुछ अन्य लोगों के साथ मुल्तान की तरफ भाग गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिना युद्ध किए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया और बड़े शानदार तरीके से उसका राज्याभिषेक हुआ और जनता का समर्थन प्राप्त करने का भी उसने पूरा प्रयास किया। तो ये थी दिल्ली पर अधिकार की समस्या, उसका समाधान किया। अब समस्या थी जलालुद्दीन के जो जीवित पुत्र थे उन जीवित पुत्रों का उसने किस प्रकार से उन्हें अपने मार्ग से हटाया। तो अलाउद्दीन द्वारा जब दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित हो गया तो धीरे धीरे उसने अलाउद्दीन के जीवित पुत्रों को भी अपने मार्ग से हटाने का प्रयास किया। राजधानी दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद अलाउद्दीन द्वारा अपने विरोधियों की तरफ ध्यान दिया गया, क्योंकि वो इस संदर्भ में बिल्कुल लापरवाह नहीं था। नवंबर 1296 में उसने अपने दो सेनानायक उलुग खां और जफर खां को एक शक्तिशाली सेना के साथ मुल्तान भेजा, क्योंकि सुल्तान का लगभग पूरा परिवार इस समय मुल्तान में था। और इन दोनों सेनानायकों द्वारा बिना किसी प्रतिरोध के दोनों राजकुमार यानी अरकली खां और कद्र खां, जो रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सुल्तान बना था, उनकी मां मलिका जहान, अहमद चप और जलालुद्दीन के मंगोल दामाद उलुग खां को बंदी बनाकर वो लोग ले आए। अलाउद्दीन ने सभी को दिल्ली भिजवाने का आदेश दिया और हांसी के निकट अरकली खां, कद्र खां, अहमद चप और उलुग खां को अलाउद्दीन के आदेश अनुसार अंधा बनाकर परिवार के अन्य सदस्यों से पृथक कर दिया गया। बाद में अरकली खां और कद्र खां को उनके पुत्रों सहित मौत के घाट उतार दिया गया। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, पूरे मुस्लिम हिस्ट्री में आप ये देखेंगे जो तलवार का धनी है वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, कोई नियम नहीं है। और साथ ही साथ सिंहासन प्राप्ति में खून के रिश्तों का भी ध्यान नहीं रखा जाता था, खून के रिश्ते भी भुला दिए जाते थे। मलिका जहान तथा अन्य लोगों को नुसरत खां की देखरेख में दिल्ली में ही बंदी बनाकर रखा गया। इस प्रकार जो जलालुद्दीन के जीवित पुत्र और उसके परिवार के सदस्य थे जो अलाउद्दीन की सत्ता को चुनौती दे सकते थे उनका भी सफाया कर दिया, उनका परमानेंट ट्रीटमेंट कर दिया गया। अब समस्या थी धन एकत्र करने की, क्योंकि राजकोष अधिकांश थे सभी सुल्तानों को रिक्त मिला है। तो अब सुल्तान को अपने सिंहासन को बनाए रखने, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आवश्यक था धन एकत्र करना। तो अलाउद्दीन द्वारा अमीरों से धन की वसूली प्रारंभ की गई और एक बड़ी मात्रा में जो अमीर लोग थे उनसे धन एकत्र किया गया। सिंहासन के दावेदारों तथा समर्थकों की अपने मार्ग से हटा देने के बाद उसने इन अमीरों को दंड देने का निश्चय किया। ये कौन से अमीर थे जिन्होंने, आपको याद हो, प्रारंभ में अलाउद्दीन का विरोध किया था उसे हत्यारा और अपहरणकर्ता मानते हुए, और इन लोगों ने अलाउद्दीन के साथ विश्वासघात भी किया था। तो इन लोगों से बड़ी मात्रा में धन वसूल करके उनको पनिश किया गया। तो जो धन की समस्या थी
उसका भी समाधान हो गया और साथ ही साथ इनको दंडित करके भविष्य के लिए अन्य कोई अमीर इस तरह का कदम ना उठाए, वो भी अलाउद्दीन द्वारा ऐसी संभावना को भी समाप्त कर दिया गया। क्योंकि जब एक को दंडित किया जाता है तो बाकी लोग भी सतर्क हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी पॉलिसी बनाई और अंततः उसने अपनी इन सभी प्रारंभिक समस्याओं का समाधान कर लिया। अगली क्लास में हम उसके साम्राज्य विस्तार की नीति को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।